नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप भी कार्टून कैरेक्टर से अच्छी तरह परिचित होंगे। कार्टून देखना बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। बच्चे इन्हें देखकर एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, तो बड़े को भी ये कुछ पल के लिए हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि एनिमेटेड कार्टून की आवाज़ कौन देता है आखिर? तो कैसा लग रहा है नया नज़ारा? टीवी पर हम जो नोबिता, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे कार्टून देखते हैं, आखिर इनको आवाज़ कौन देता है? तो आपकी इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एक कार्टून करेक्टर के पीछे रियल वॉइस किसकी होती है और कार्टून के पीछे का चेहरा किसका होता है। टीवी पर इन कार्टून करेक्टर को देखकर हमको एक पल के लिए ये लगता है कि शायद ये कार्टून करेक्टर की ओरिजिनल आवाज़ है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि एनिमेटेड कार्टून करेक्टर की आवाज़ डबिंग कलाकार ही करते हैं। आज टीवी पर इन कार्टून करेक्टर को देखकर हमको एक बार तो ये लगता है कि शायद यही इनकी असली आवाज़ है, लेकिन सच हम सब जानते हैं कि एनिमेटेड कार्टून करेक्टर को आवाज़ से डबिंग किया जाता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ कलाकारों से मिलवाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, रूसी टेलर। बचपन में देखे गए कार्टून मिक्की माउस का कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा। मिक्की माउस की आवाज़ आज भी कहीं सुनाई दे तो हम पहचान लेंगे कि ये तो मिक्की माउस की आवाज़ है। क्या आप जानते हैं कि ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ रूसी टेलर की थी। रूसी टेलर अमेरिका की मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी। रूसी टेलर पिछले 30 सालों से अपनी आवाज़ों से लोगों का मनोरंजन करती आ रही थी। पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ को दिमाग में बैठाने वाली वॉइस ओवर आर्टिस्ट अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इनकी आवाज़ ने लोगों के दिलों में राज किया है। आपको बता दें कि 75 साल की उम्र में शारीरिक परेशानी के चलते इनका निधन हो गया था। नंबर 2, सोनल कौशल। बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून बन चुके डोरेमोन में नोबिता की अजीब हरकतें बच्चों को हंसाती हैं, वहीं उनकी बातें भी कम मज़ेदार नहीं होती। इस जापानी कार्टून सीरीज को हिंदी में भी टेलीकास्ट किया जाता है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि इन कार्टून करेक्टर को आवाज़ कौन देता है? ये शो जापानी भाषा में है, लेकिन भारत में इसकी हिंदी के अलावा कई भाषाओं में भी डबिंग की जाती है। इस जापानी कार्टून सीरियल को हिंदी में भी प्रसारित किया जाता है। हिंदी डबिंग में डोरेमोन की आवाज़ सोनल कौशल देती हैं। सोनल सिर्फ डोरेमोन की ही नहीं, छोटा भीम, माइटी राजू और पावर पफ गर्ल्स जैसे मशहूर एनिमेशन शो को भी अपनी आवाज़ से बच्चों के दिल को जीत चुकी हैं। सोनल 25 साल की हैं और वो 2005 से ही डोरेमोन की डबिंग करती आ रही हैं। जब वो 13 साल की थी, एक ही ऑडिशन में वो इस डबिंग के लिए सिलेक्ट की गई थी। उस वक्त तक सोनल दूरदर्शन के एक शो के लिए वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुकी थी। सोनल की माँ ऑल इंडिया रेडियो के लिए दिल्ली स्टेशन में अनाउंसर थी। तभी सोनल को पता चला कि यू टीवी एक कॉन्टेस्ट करा रहा है जिसमें एक जापानी कार्टून शो के लिए वॉइस टेस्टिंग का ऑडिशन देना था। सोनल को केवल इतना बताया गया कि उनको एक रोबोट की तरह आवाज निकालनी, और सोनल ये ऑडिशन जीत गई। मेरी नई मूवी आ रही है कुंग फू धमाका 10th मई को आपके नजदीकी थिएटर्स में, देखना मत भूलिएगा। नंबर 3, मेघना इरांडे। बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन, निंजा हथौड़ी और नोडी को तो आप सभी बखूबी जानते होंगे, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में टीवी का रिमोट उनके हाथ में ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, पोकेमोन की आवाज़ किसकी है? अलग अलग तरह के इन सभी कार्टून कैरेक्टर को अपनी आवाज़ देने वाली हस्ती मेघना इरांडे हैं। मुंबई की रहने वाली 34 साल की मेघना इरांडे जब अपनी नॉर्मल आवाज़ छोड़कर इस कार्टून कैरेक्टर की भाषा बोलती हैं तो ऑडियंस इनकी बिल्कुल दीवानी हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ जियान कि हम किसी से भी मिल सकते हैं, है ना? नंबर 4, विनोद कुलकर्णी। अब तक तकरीबन 15,000 से ज्यादा कमर्शियल में अपनी आवाज दे चुके विनोद कुलकर्णी देश के एकमात्र जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। विनोद हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में वॉइस ओवर कर चुके हैं। विनोद हिंदी और मराठी फिल्मों में एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके, लेकिन विनोद सबसे ज्यादा पहचाने अपनी आवाज की वजह से जानते हैं। कार्टून नेटवर्क पर आने वाले रोल नंबर 21 के
कंस को अपनी आवाज दी है इन्होंने। सर ये कपड़े क्या? सर मुझे ही देख लो, मेरे कपड़े देखो, हमेशा इतने। नंबर 5, सौरभ चक्रवर्ती। सौरभ ने अपनी आवाज का जादू कई कार्टून फिल्मों और सीरियलों में बिखेरा है, जिनमें सबसे लोकप्रिय है मोटू और पतलू और ऑगी एंड दी कॉकरोच। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इन सीरियल को देखते नहीं थकते। सौरभ को इस मुकाम तक पहुंचने में कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। इस क्षेत्र में आने से पहले ये फिल्मों में बतौर सहायक कलाकार के रूप में जाने जाते थे। सोनू सूद जैसे कई मशहूर अभिनेताओं के साथ सह कलाकार भी बने। FIR जैसे मशहूर सीरियल में भी इन्होंने छोटे मोटे रोल किए। धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी में अपनी किस्मत आजमाई और टीवी पर कई मिमिक्री शोज भी किए। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, पर इधर आसपास तो कोई बिजली के खुले तार भी नहीं दिख रहे। खैर जाने दो, चलो समोसा खाने। ये थे हमारे कार्टून कैरेक्टर के पीछे के कुछ ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी आवाज का सुर पूरी देश में बिखेरा है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।